हमारे देश के युवा की भागीदारी, उसकी शुरुआत होती है वोटर्स राइट में, मतदाता एक अधिकार। हम पहली बार जब स्कूल जाते हैं, बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा पूरे मोहल्ले में हमारी मां इतनी मिठाई बांटती है, स्कूल में भी जाते हैं तो मिठाई बांटते हैं, टीका लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, करते हैं कि नहीं करते बच्चों को स्कूल ले जाते हैं तो बड़ी धामधूम होती है। बच्चे की शादी होती है, सारे रिश्तेदारों को बुला करके बड़ी धामधूम से हम शादी करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं। मित्रों, जब ग्रेजुएशन होता है, फाइनल सेरेमनी होती है, उसमें भी पूरा परिवार आता है। 18 साल की उम्र होने पर मत का अधिकार मिलना, वो इन घटनाओं से जरा भी छोटी घटना नहीं है मित्रों। लेकिन हमें वो गर्व महसूस नहीं होता है मित्रों। 15 साल की उम्र से गूंजना चाहिए, देखो फलानी तारीख को तुम 18 होने वाले हो, तुम हिंदुस्तान के भाग्य विधाता बनने वाले हो, देखिए अब 30 दिन बाकी रह गए, तुम 30 दिन के बाद भारत के भाग्य विधाता बनने वाले हो। ये माहौल क्रिएट करना चाहिए। मतदान बनना भारत के संविधान ने, हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा अवसर दिया है मित्रों, इसका जो गौरव होना चाहिए वो देश में नहीं हो रहा है। मैं तो मानता हूं मित्रों, आपके मित्रों में से जैसे 25 साल हो तो हम उसकी कोई विशेष रूप से मनाते हैं, 60 साल होते हैं तो विशेष रूप से मनाते हैं। मैं मानता हूं हमारे स्कूल कॉलेज के एटमोस्फियर में 18 साल को विशेष रूप से मनाना चाहिए। उस दिन तुम मतदाता बने हो, बधाई होनी चाहिए मित्रों। इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी जानी चाहिए कि तुम मतदाता बन रहे हो। हमने मतदाता एक जीवन की बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। मतदाता बना मतलब मैं भारत का भाग्य विधाता बना हूं, ये भाव हमारे भीतर जगना चाहिए मित्रों। मैं चाहता हूं कि सीएजी के माध्यम से सभी यूनिवर्सिटी में ये संदेश हम पहुंचाएं। आज मित्रों सोशल मीडिया की ताकत है, आपके भी कई फ्रेंड्स होंगे, आप भी व्हाट्सएप पर लगे रहते होंगे, आप तय करिए सुबह उठते ही मैं मतदाता हूं, क्या आप मतदाता बने, ये सबको मैसेज करते रहिए। मैं तो अभी भी मैं मानता हूं